गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरक्षनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका माथा। रविवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास व आबकारी तथा जिले के नोडल अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने सड़क पर उतरकर किया लोगों के मास्क की चेकिंग। दी हिदायत, कहा लगाएं मास्क नहीं तो दोबारा लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत शातिर अपराधी गणेश गौड़ का अवैध रूप से अर्जित धन से निर्मित 20 लाख के मकान को तिवारीपुर पुलिस और प्रशासन ने किया जब्त। लूट सहित अन्य आपराधिक मुकदमों में शामिल था गणेश गौड़। उद्यान विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर नौकरी ज्वाइन करने पहुंचे 3 व्यक्तियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रभारी जिलाधिकारी व CDO की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के 100% सफलता के लिए दिए निर्देश, कहा 27 सितंबर तक CMO कार्यालय में जमा करें माइक्रो प्लान। BRD मेडिकल कॉलेज में 300 बेड का L2 और L3 अस्पताल खुल जाने के बाद अब IMA ने पेनेशिया हॉस्पिटल में COVID-19 पेड हॉस्पिटल को बंद करने का लिया फैसला। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर SC कौशिक ने कहा अब नहीं है COVID-19 पेड हॉस्पिटल की जरूरत। RKBK मारुति शोरूम के पास हुए फायरिंग की घटना में शामिल एक और अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त कार को क्या बरामद, CEO कैंट ने कहा पूर्व की दोनों घटना में था शामिल अभियुक्त, भेजा गया जेल। कोरोना वायरस को रोकने के लिए शासन द्वारा नियुक्त किए गए सहायक नोडल अधिकारी संजय कुमार खत्री ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित COVID-19 हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अंतर जनपदीय गैंग के 5 शातिर वाहन चोरों को बड़हलगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस किया बरामद। शासन के निर्देश पर महीने के 4th शनिवार को सभी थानों पर आयोजित हुआ संपूर्ण थाना समाधान दिवस। CEO कैंट ने कहा नहीं आया कोई थाना दिवस से संबंधित मामला। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम की जूम ऐप के माध्यम से आहूत की गई वर्चुअल बैठक। शोक सभा किया गया पारित, 2 मिनट मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि। जिला चिकित्सालय के नवागत SIC ने कार्यभार किया ग्रहण, कहा मरीजों की सेवा के साथ कार्यों में पारदर्शिता होगी पहली प्राथमिकता। CEO कोतवाली की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई समस्याएं, संबंधित कर्मचारियों को निस्तारण के दिए गए निर्देश। गोरखपुर में शनिवार को मिले 94 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,873, एक्टिव मरीज हुए 1306। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के निर्माण संगठन द्वारा दौड़ का किया गया आयोजन, कहा हमें स्वयं स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार तथा आसपास के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करना भी है हमारी जिम्मेदारी।